गुड इवनिंग टू ऑल कैसे हैं आप सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के साथ में आज आपकी मेज बेस क्वेश्चंस की क्लास होने वाली है तो फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के साथ सभी के फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए सभी के सभी फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्लास ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ आपको एक स्लाइड के अंदर इमेज दिखाया जाएगा उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का ये इमेज है देन उसका आपको डिस्क्रिप्शन दिखाया जाएगा कि क्या होता है कब इन्वेंट किया है क्या यूज़ होते हैं ये सभी चीज़ें अपन एक इमेज के बारे में पढ़ेंगे एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फर्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मेंट का नेम नेम आपको कमेंट करना है फटाफट से कमेंट कर दीजिए चलिए देखते हैं कौन सा है ये है आपकी पंच बायोप्सी फोर्स है कौन सी है पंच बायोप्सी फोर्स है बायोप्सी किस काम की आती है आपके कैंसर का कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यानी कि एक पैथोलॉजिकल एग्जामिशन के लिए कोई भी टिश्यू का टिश्यू क्या लिया जाता है सैंपल लिया जाता है ठीक है उसका क्या किया जाता है पैथोलॉजिकल एग्जामेशन किया जाता है स्ट्रोपैथोलॉजिकल स्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिशन किया जाता है टू डिटेक्ट कैंसर ठीक है डिस्क्रिप्शन देखिए बायोप्सी फोर्सेप्स आर यूज्ड टू बायोप्फोर्से टिश्यू सैंपल क्यों किया जाता है टिश्यू सैंपल को ऑप्टन करने के लिए लाइक इसोफेगोस्कोपी ठीक है इसोफेगस का कोई ट्यूमर हो उसके लिए लेरिंगोस्कोपी के दौरान ठीक है एज वेल एज द एज वेल एज फॉर द रिमोवल ऑफ फॉरन ऑब्जेक्ट की ठीक है इसमें क्या होता है आगे से ग्रिप कर करके ना इसका देखो इसका जो मुंह होता है काफी अच्छी ग्रिप बना लेता है तो कोई फॉरन ऑब्जेक्ट को भी रिमूव करने के लिए आपके नेजल कैविटी से या फिर ओरल कैविटी से अपन क्या कर सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं द फीचर ऑफ कप कप जो इसका जो जो होता है वो कैसा होता है कप शेप का होता है प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट ग्रिप ये क्या है एक्सीलेंट ग्रिप प्रोवाइड करता है एंड फ्रॉम सर्जिकल स्टील ठीक है ये कैसे एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं देखिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट इमेज है फटाफट बट से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा इमेज है ये कौन सा, सा इंस्ट्रूमेंट का इमेज है तो ये इमेज आपके क्रोकोडाइल फोरसेप का इसका नाम क्या है क्रोकोडाइल फोरसेप क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है आपके मगरमच्छ की जैसी ठीक है तो इसलिए इसको क्या नाम दिया है क्रोकोडाइल फोरसेप कहा यूज होती है रिमूवल ऑफ द ईयर वैक्स ईयर वैक्स को रिमूव करने के लिए या फिर कोई फॉरेन बॉडी अगर आपके ईयर कैनाल के अंदर स्टक हो गया है या फिर ड्यूरिंग द इंसर्सन ऑफ ग्रामेट्स ठीक है इन टू द ईयर ठीक है ग्रोमेट्स क्या होते हैं कोई भी आपका सर्जिकल इंप्लांट अगर आपको वहां पे वो करना है तो उस दौरान इसको यूज किया जा सकता है या फिर ईयर के अंदर कोई ग्लू डालनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो कॉमनली नॉन एज इसका दूसरा नाम भी रखा है क्या एलिगेटर और हर्टमैन फोरसेप ठीक है एलिगेटर या फिर हर्टमैन फोरसेप भी इसको बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं अपन नेक्स्ट इमेज देखिए और बताइए कि कौन सा आपका है फटाफट से कमेंट कर दीजिए और एक बार क्लास को प्लीज़ शेयर कर दीजिए सभी के साथ में बताइए कौन सा इमेज है फटाफट से कमेंट कर दीजिए देखिए ये है आपका रिफ्लेक्स हैमर क्या है आपका रिफ्लेक्स हैमर टू टेस्ट द मोटर रिफ्लेक्स आपके मोटर रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए यूज होता है ठीक है रिफ्लेक्स हैमर इज ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रैक्टिशनर टेस्ट द डीप टेंडन रिफ्लेक्स आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए यूज होता है इसके अंदर देखिए दो पार्ट होते हैं एक ये पार्ट होता है ये तो हैमर का काम करता है ठीक है इससे तो क्या करते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक किया जाता है और ये वाला पार्ट है ये न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है जैसे कि आपके आपके अगर चेक करने हैं, like आपका प्लांटर रिफ्लेक्स हो गया ठीक है इन सभी को असेसमेंट के लिए कौन सा पार्ट यूज किया जाता है ये वाला ठीक है और हैमर किसके लिए यूज की जाती है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को चेक करने के लिए नेक्स्ट इमेज देखिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि इसका नाम क्या है नेम के साथ में अगर आप इसका यूज भी कमेंट कर पाते हैं तो अच्छी बात है फटाफट से बता दीजिए और जितने भी लोग एक बार लाइव देख रहे हैं प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए सभी के साथ में तो ये है आपका प्रोक्टोस्कोप क्या है ये प्रोक्टोस्कोप है प्रोक्टोस्कोप क्या काम आता है विजुअलाइजेशन के लिए काम में आता है आपके क्या काम आता है विजुअलाइजेशन के लिए देखिए प्रोक्टोस्कोपी है या फिर रिजिड क्या बोलते हैं इसको दूसरा नाम क्या है सिग्मोडोस्कोपी इज एन एग्जाम ऑफ द रेक्टम एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम के लिए यूज किया जाता है एनएस के एग्जामिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट ट्यूमर पोलिप्स और इन्फ्लामेशन एंड सोर्स ऑफ ब्लीडिंग ठीक है कोई भी ट्यूमर हो पोलिप हो या फिर इन्फ्लामेशन हो या फिर सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को असेस करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए फटाफट से इसका नाम बता दीजिए आठ लोग लाइव देख रहे हैं लेकिन किसी का कमेंट नहीं आ रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये तो ये है आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन क्या है अल्ट्रासाउंड मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन क्यों यूज की जाती है

कौन सी आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होता आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो आपके बच्चे के अंदर कोई डिफोर्टमेंटी क्रिएट कर सकता है ठीक है इसलिए इसको यूज किया जाता है इसके अंदर क्या होता है ये रिफ्लेक्ट करता है बॉडी स्ट्रक्चर्स को क्या करता है बॉडी स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है एक कंप्यूटर रिसीव द वेव्स एक कंप्यूटर लगा होता है इसके अंदर वो क्या करता है इन वेव्स को रिसीव करता है और क्रिएट ए पिक्चर और पिक्चर क्या करता है वहाँ पे क्रिएट करता है ठीक है एक्सरे और सी स्कैन की तरह इसकी इसके अंदर क्या आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं किया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेफ होता है आपके प्रेगनेंसी के एग्जामिनेशन के लिए ठीक है क्यों क्योंकि इसके अंदर कौन सी साउंड वेव्स यूज की जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन देखिए ये बताइए कि क्या है फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपका फटाफट से नेम कमेंट कर दीजिए इसका वेरी गुड वेरी गुड टारगेट टेम्स का कमेंट आया किडनी ट्रे बिल्कुल ये आपका क्या है किडनी ट्रे है इसका दूसरा नाम क्या होता है एमएसएस ट्रे भी इसको बोलते हैं ठीक है ठीके? क्या बोलते हैं एमएसएस बेसिन या फिर एमएसएस किडनी एमएसएस बेसिन सॉरी ठीक है टू यूज किया जाता है ड्यूरिंग द भूड वॉश भुंड वॉश के लिए ठीक है या फिर जो रन ऑफ जो भूड वॉश के दौरान जो भी रन ऑफ जो होते हैं जो भी डिस्चार्ज होते हैं उनको क्या किया जाता है कलेक्ट किया जाता है कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर में टू कैरी द ड्रेसिंग्स ठीक है ड्रेसिंग्स को कैरी करने के लिए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करने के लिए बैंडेजेस को कैरी करने के लिए एंड अदर मेडिकल वेस्ट को क्या करने के लिए कैरी करने के लिए यूज किया जाता है ये कैसा होता है लाइट वेट होता है ठीक है शैलो बेसिन होता है विद ए किडनी सेप बेस कैसा होता है इसका सेप किडनी के शेप को होता है इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं किडनी ट्रे बोलते हैं ड्यू टू द कन्वीनियंट सेप इसकी जो शेप होती है बहुत कन्वीनियंट होती है इसको आप कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट पे इजीली क्या कर सकते हो फिक्स कर सकते हो ठीक है और उससे क्या होने स्पिल होने के चांसेस भी कम से कम रहते हैं ठीक है और इसका जो डायमीटर है वो कितना रहता है एट ट्वेंटी पॉइंट थ्री टू सेंटीमीटर या फिर एट इंच के अप्रोक्स इसका क्या रहता है डायमीटर रहता है और इसका नाम अगर बात करूँ तो ये क्या नाम बोलते हैं इसको गोल्ड फिंच किडनी ट्रे भी इसको जो रीयूजेबल होती है गोल्ड फिंच किडनी ट्रे क्या होती है रीयूजेबल होती है और इसके अगर बात करें कि कितना अमाउंट होता है एक किडनी ट्रे के अंदर कितना फ्लूड आप कलेक्ट कर सकते हो 400 हंड्रेड क्या कर सकते हो कलेक्ट कर सकते हो ठीक है तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि लाइट वेट होती है ठीक है किसी भी बॉडी बॉडी पोस्ट किसी भी एरिया पे आप क्या कर सकते हो इजीली इसको फिक्स कर सकते हो ठीक है कन्वीनियंट है अगर इसके डायमीटर की बात करूं तो कितना होता है आपका अराउंड एट इंच गोल्ड फिंच किडनी ट्रे आपको नाम याद रखना कि गोल्ड फिंच किडनी ट्रे को क्या कर सकते हो रीयूज कर सकते हो प्लास्टिक की भी किडनी ट्रेज आती हैं आजकल काफी सारी ठीक है उनका जो होता है आपका उनके अंदर वॉल्यूम कितने इकट्ठा कर सकते हैं तो उसके अंदर कितना कर सकते हैं थ्री हंड्रेड एम एल इसके अंदर प्लास्टिक की किडनी ट्रे है प्लास्टिक की अगर किडनी ट्रे है उसके अंदर वॉल्यूम की बात करें तो कितना आपका थ्री हंड्रेड एम एल होता है टारगेट गुड इवनिंग बिल्कुल गुड इवनिंग सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन इसका नाम बताइए फटाफट से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये फटाफट से कमेंट कर दीजिए प्लीज फटाफट पट से सभी कमेंट कर दीजिए तो ये है आपका नेबुलाइजर मशीन ठीक है नेबुलाइजर मशीन इसके अंदर एक मशीन होती है ये इलेक्ट्रिकल करंट से चलती है ठीक है एक मास्क होता है इसके अंदर और ये क्या होता है नेबुलाइजेशन किट होता है ठीक है नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है नेबुलाइजर है आपका ये डायग्राम नेबुलाइजर इज ए ड्रग डिलीवरी डिवाइस क्या होती है ड्रग डिलीवरी डिवाइस होती है टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन द फॉर्म ऑफ मिस्ट मिस्ट के फॉर्म में आपको क्या करते हैं इनहेलेशन के थ्रू जो आप लंग्स के अंदर इनहेल करते हो ऐसे ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए क्या यूज किया जाता है आपका नेबुलाइजर यूज किया जाता है नेबुलाइजर आज द कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं अस्थमा के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए सीओपीडी के लिए एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजे या डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना होता है नेबुलाइजर यूज करना होता है ठीक है दे यूज इसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हो आप ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हो कंप्रेस्ड एयर भी यूज कर सकते हो फिर अल्ट्रासोनिक पावर टू ब्रेक द ब्रेक अप द सॉल्यूशन इन सोल्यूशन को ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक पावर को भी आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो एंड सस्पेंशन जो भी सोल्यूशन है सस्पेंशन उसके अंदर डालते हैं उसके अंदर इंटू स्मॉल एरोसोल ड्रॉप ये कैसे एरोसोल जनरेट करते हैं एरोसोल क्या होता है आपका लिक्विड एंड लिक्विड प्लस गैस का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है एरोसोल ठीक है लिक्विड के अंदर गैस का अगर आप क्या करते हो इन्वॉल्व करते हो तो उसको क्या बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं दैट आर फ्रॉम द माउथ पीस जो क्या कर देते हैं इनहेल किया जाते हैं एरोसोल इज ए मिक्सचर ऑफ गैस एंड सोलिड और लिक्विड पार्टिकल ठीक है एरोसोल क्या होता है सोलिड या लिक्विड में आपको क्या करना है गैस को मिक्सचर करने पर जो जनरेट होती है मिस्ट उसको क्या बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं ठीक है थीके? तो ध्यान रखना आपको नेबुलाइजर किसके लिए आपके लंग्स के अंदर जो ड्रग्स आप इनहेल करते हो उन ड्रग्स को इनहेलेशन के लिए जो ट जो यूज की जाती है जो डिवाइस यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं नेबुलाइजर बोलते हैं ठीक है थीके? धर्मराज जी गुड इवनिंग नेक्स्ट देखिए आप ये बताइए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये फटाफट पट से कमेंट कर दीजिए फॉर योर कमेंट एक भी कमेंट अब मेरे पास आ जाएगा तो मैं इसके description पे चला जाऊंगा बेटर है विदाउट ऑप्शंस आपको पता हो जैसे आप डायग्राम देखो उसका आपको इमीडिएटली पता लग जाए कि कौन सा है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है देखिए ये है आपका एंडोस्कोप क्या है एंडोस्कोप है एंडोस्कोप क्यों यूज किया जाता है मेडिकल डिवाइस विद ए लाइट अटैच इसके अंदर क्या होता है एक लाइट होती है प्लस कैमरा होता है ठीक है टू लुक इनसाइड द बॉडी कैविटी बॉडी कैविटीज के अंदर आपको देखने के लिए और ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने के लिए ठीक है बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने, करने के लिए इसके अंदर क्या होता है तो लाइट होता है और एक क्या होता है कैमरा होता है ठीक है स्कोप स्कोप इज इंसर्टेड द नेचुरल ओपनिंग को क्या करते हैं नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं नेचुरल ओपनिंग जैसे कि आपका माउथ हो गया ठीक है माउथ के अलावा अगर मैं बात करता हूं आपका एन हो गया ठीक है तो जो भी नेचुरल ओपनिंग्स हैं उनके थ्रू आपको क्या करना होता है स्कोप को इंसर्ट किया जाता है ठीक है या फिर जैसे आपका क्या हो गया ब्रोंकोस्कोपी के लिए भी आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो ठीक है अलग अलग तरीके के स्कोप्स होते हैं या फिर रेक्टम के अंदर आप क्या कर सकते हो इंसर्ट करते हो फॉर सिगमोडोस्कोपी ए मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी ठीक है कोई भी मेडिकल प्रोसीजर इसके अंदर क्या कर रहे कर रहे रहे हैं हैं एंडोस्कोप यूज उसको क्या बोलते हैं एंडोस्कोपी क्या है 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 प्रोसीजर का नाम ठीक मोस्टली यूज होता है आपके पी को इवालुवेट करने के लिए गेस्ट्रो इंटरस्टल सिस्टम को विजुअलाइज करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है एंडोस्कोप यूज किया जाता है अगर मैं बात करता हूं कि आपको कितनी सिक्स टू एट आवर्स की क्या रखनी होती है एनपीओ रखनी है बिफोर फोर एंडोस्कोपी ठीक है बिफोर एंडोस्कोपी आपको क्या करना होता है सिक्स टू एट आवर्स का क्या किया जाता है आपको एनपीओ uh, रखना होता है पेशेंट को इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करता हूं कि आपका एंडोस्कोपी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है तो क्या है परफोरेशन क्या होता है परफोरेशन होता है और परफोरेशन क्या होता है मैंने पहले भी बताया आपको ये क्या होती है मेडिकल इमरजेंसी क्यों होती है क्योंकि यहां पे पेरिटोनाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है तो ये क्या करता है पेरिटोनाइटिस कर देता है पेरिटोनाइटिस इंफॉर्मेशन आपकी पेरिटोनियम का जो कि क्या है एक मेडिकल इमरजेंसी है ठीक है तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके लिए एंडोस्कोपी के लिए पोस्ट एंडोस्कोपी भी आपको सिक्स आवर्स फोर टू सिक्स आवर्स का क्या करना होता है एनपीओ रखना होता है ये क्यों रखना है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ठीक है और आप एनपीओ ब्रेक करने से पहले क्या चेक कर लेते हैं बाउल साउंड्स साउंड आपको क्या करनी होती है असेस कर लेनी है बिफोर ब्रेकिंग द एनपीओ ठीक है ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है एंडोस्कोपी प्रोसीजर से पहले की सिक्स टू एट आवर्स का एनपीओ रखते हैं अगर मैं बात करता हूं कि आफ्टर एंडोस्कोपी कितना एनपीओ रखना है तो फोर टू सिक्स आवर्स का एनपीओ रखना होता है ठीक है और अगर मैं बात करता हूँ कि बिफोर ब्रेकिंग द एनपीओ स्टेटस ठीक है आपको क्या करना है बोवल साउंड चेक करनी है और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है आपका परफोरेशन होता है ठीक है और परफोरेशन क्या होता है मेडिकल इमरजेंसी होती है क्यों क्योंकि उसके अंदर क्या होता है पेरिटोनाइटिस के चांसेज हो जाते हैं ठीक है माइंड वेलकम हमारा क्लास के अंदर चलो आइडेंटिफाई करो इस इमेज को नेक्स्ट इमेज आपकी स्क्रीन पे है फटाफट से आइडेंटिफाई करिए वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये है आपकी क्या है ईसीजी मशीन है क्या है ईसीजी मशीन है ठीक है क्यों यूज की जाती है ईसीजी मशीन कहाँ यूज की जाती है आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के लिए हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो असेस करने के लिए आपको क्या किया जाता है ईसीजी मशीन यूज की जा सकती है ठीक है टू मॉनिटर द कंडीशन अफेक्टिंग द हार्ट हार्ट की कंडीशन को जो अफेक्ट करती है उनको आपको क्या करना है मॉनिटर करना है कहाँ यूज किया जाता है जैसे कि चेस्ट पेन के दौरान आपको ई देने के लिए डॉक्टर बोल सकता है पाल के दौरान आपको ई देना पड़ सकता है डिजीनेस या फिर शॉर्टनेस और ब्रीथ के दौरान भी आपको क्या करना पड़ता है इसीजी अचीव करना पड़ता है देखिए तीन तरीके के ई सीजी होती है एक रेस्टिंग के अंदर ई होती है ठीक है जब पेशेंट क्या है लाइंग डाउन है कंफर्टेबल पोजीशन में है इस तरीके से अगर आप इसीजी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं आपका रेस्टिंग नेक्स्ट अगर बात करता हूँ स्ट्रेस इसीजी और एक्सरसाइज इसीजी इसके अंदर कैरी आउट वाह यूजिंग द एक्सरसाइज बाइक और ट्रेडमिल ठीक है बाइक और ट्रेडमिल पे आपको क्या किया जाता है एक्सरसाइज की जाती है उस दौरान आपका ई क्या किया जाता है ऑप्टेन किया जाता है एक आपका एम्बुलेट्रीसीजी ठीक है इसको क्या बोलते हैं होल्टर मॉनिटरिंग भी बोलते हैं इसके राउंड द क्लॉक यानी कि ट्वेंटी फोर आवर्स आपकी हार्ट की कार्डियक एक्टिविटीज यानी रखें तो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम ठीक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये तो क्या है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज ठीक है या फिर इलेक्ट्रो के फोर कार्डियो यहां पे के फोर क्या है कार्डियो तो आपको ग्राम ध्यान रखना है अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी भी क्या होगा आपका ईसीजी होगा लेकिन अगर इसकी मैं बात करता हूं इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी तो ये क्या है कंप्लीट प्रोसीजर का नाम है ठीक है

कर रहे हो या कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ठीक है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है तीन टाइप की ईसीजी होती है आपकी रेस्टिंग जो आप डाउन कंडीशन में या फिर कंफर्टेबल पोजीशन में आप क्या कर रहे हो ईसीजी प्रो प्राप्त कर रहे हो या फिर मैं बात करता हूं स्ट्रेस एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप क्या कर रहे हो होन कर रहे हो और एक हो गया आपका होल्टर मॉनिटरिंग ये क्या होता है राउंड द ट्वेंटी फोर आवर्स की आपकी हार्ट की एक्टिविटीज को ऑप्टेन करने के लिए क्या जाता है होल्टर मोनिटर आप पे अप्लाई किया जाता है नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई करिए इस इमेज को फटाफट बट से कमेंट कर दीजिए कौन सी इमेज है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है फटाफट बट से कमेंट कर दीजिए बिल्कुल राकेश यादव सर का आपका कमेंट आ गया डायलाइजर ठीक है तो ये है क्या आपका एक डायलाइजर होता है डायलाइजर क्यों यूज किया जाता है हिमो डायलाइसिस के लिए हीमो डायलाइसिस प्रोसेसर के दौरान आपका यूज किया जाता है ठीक है तो क्या बोलते हैं डायलाइजर इज ऑफन रेफर्ड एज आर्टिफिशियल किडनी इसको क्या बोल दिया जाता है आर्टिफिशियल किडनी भी बोल दिया जाता है क्यों क्योंकि आपके खुद की जब किडनी खराब हो जाती है उस कंडीशन में आपको हीमो डायलाइसिस करवाना पड़ता है ठीक है तो उसमें इसको क्या बोल दिया आर्टिफिशियल किडनी इट इज द फंक्शन टू रिमूव द एक्सेस वेस्ट इसका फंक्शन क्या है एक्सेस वेस्ट को रिमूव करना एंड फ्लूड को कहाँ से फ्रॉम द ब्लड ब्लड से वेहन द पेशेंट किडनी इज नो लॉन्गर परफॉर्म द टास्क जब आपकी किडनी इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाती है उस दौरान आपका डायलाइजर क्या किया जाता है यूज किया जाता है ये किसके बने होते हैं मेड एंड थिन फाइब्रस मटेरियल पोली ठीक है आपको सब्सटेंस का याद नाम याद रखना है कि पोली के बने होते हैं ठीक है इसके जो फाइबर्स होते हैं ठीक है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ठीक है कैसी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको क्या बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल सेलेक्टिवली परमेबल ठीक है अलाउ जो allow करती है स्मॉलर पार्टिकल्स एंड लिक्विड पास थ्रू ठीक है स्मॉलर जो लिक्विड्स या फिर पार्टिकल्स जो होते हैं उनको पास करने के लिए क्या करती है अलाउ करती है ठीक है हीमोडायलिसिस का एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या है फटाफट भट से कमेंट कर दीजिए हीमोडायलिसिस का एब्सोल्यूट कॉम्प्लीकेश सॉरी एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या है तो इसका एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है आपका हाइपर क्या होता है हाइपर कैलीमिया यानी कि पोटेशियम की कंसेंट्रेशन कितनी 5.5 पॉइंट फाइव से ज्यादा हो जाना ठीक है 5.5 से ज्यादा हो जाना क्या होता है आपका पोटेशियम का हाइपर कैलिमिया होता है ठीक है तो ये क्या है आपके एब्सोल्यूट इंडिकेशन है किसके लिए हिमो डायलाइसिस के लिए ठीक है तो इसका ध्यान नाम याद आपको ध्यान रखना है मोडायलाइसिस के लिए यूज करते हैं क्या डायलाइजर ठीक है नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई करिए इस इमेज को क्या है ये वेरी गुड श्वेता जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है यहाँ पे ये है डिफिब्रिलेटर क्या है डिफिब्रिलेटर डिफिब्रिलेटर है आपका ठीक है कब किया कब यूज किया जाता है टू इलेक्ट्रिकल पल्स और शोक शोक प्रोवाइड करने के लिए टू रिस्टोर द नॉर्मल हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट को क्या करने के लिए रिस्टोर और करने के लिए क्या किया जाता है आपका शोक प्रोवाइड किया जाता है दे आर यूज टू प्रिवेंट और करेक्ट द एरिथिमिया एरिथिमिया जो आपकी रिदम है रिदम क्या होती है टाइम इंटरवल बिटवीन टू बीट्स ठीक है रिदम क्या हो सकती है तो रेगुलर होगी या क्या होगी इरेगुलर ठीक है तो इेगुलर वाली रिदम को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है आपका डिफिब्रिलेटर ठीक है ठीक है, थीक है. एन अनइवन हार्ट बीट जो क्या होती है अनयन जो हार्ट बीट होती है उनको ठीक करने के लिए ठीक है इफ द हार्ट सडनली स्टॉप अगर हार्ट आपका क्या कर देता है फंक्शन करना सडनली बंद कर देता है उस दौरान भी आप क्या कर सकते हो डिफिब्रिलेटर को यूज कर सकते हो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इसको क्या बोलते हैं एई डी भी बोलते हैं ठीक है विच इज नाउ फाउंड इन एनी पब्लिक स्पेसिस जैसे आपका मॉल हो गया ठीक है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया ठीक है वहां पे भी आजकल क्या किया जाता है कॉमनली यूज होने वाला जो डिफिब्रिलेटर है उसका क्या नाम होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर ठीक है ये क्या होते हैं ऑटोमेटेड होते हैं जैसे आपने ये जो प्लेसमेंट किया लीड का जैसे आपने प्लेसमेंट किया ये आपके हार्ट की जो रिदम है उसको क्या कर लेते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं और जो आ, क्या होती है नॉन परफ्यूजिंग जो रिदम होती है नॉन परफ्यूजिंग है या फिर वेंट्रिकुलर टैकी है वेंट्रिकुलर टैकी कार्डिया ठीक है इनको क्या कर लेती हैं ये असेस कर लेते हैं असेस करके क्या करते हैं शोक प्रोवाइड करते हैं क्या करते हैं शोक प्रोवाइड करते हैं ठीक है थीके? या फिर कार्डियक अरेस्ट के दौरान भी इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? क्या होते हैं डिफिब्रिलेटर सारी चीजें क्लियर है नेक्स्ट इमेज की तरफ चले चलिए चलो फटाफट से बता दीजिए आपकी स्क्रीन पे जो इमेज है वो किसकी है ये तो सभी को पता होगा वेरी गुड निशांत का कमेंट आ गया यहां पे आईवी कैनुला क्या है आपका आईवी कैनुला सर तो ये भी कोई पूछने की बात है क्या है ना चलिए तो आपका 16 गोज है जो कौन सा होगा आपका ग्रे एंड 18 ये कितना है 20 ये कितना है 22 एंड ये कितना है 24 और एक और होता है वायलेट ये कितना होता है 26 ठीक है देखिए मैं बात करता हूं एक क्वेश्चन आपका आता है इमरजेंसी कैनुला बता दीजिए मेरे को फटाफट से बिल्कुल फोर्टीन ऑरेंज ठीक है तो ये तो सारे गोज की बात होगी अब बताइए आप इमरजेंसी कैनूला कौन सा है आपके पास में ऑप्शन आता है सिक्सटीन गोज एटीन गोज ट्वेंटी गोज एंड ट्वेंटी टू गोज बताइए तो जो आपका इमरजेंसी कैनोला होता है वो होता है आपका 18 गोज ग्रीन कैनोला कौन सा होता है ग्रीन कैनोला देखिए अगर 18 आपके पास में ऑप्शन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी 18 अगर 18 ऑप्शन में नहीं है देन आपको सेकंड किस पे जाना है 16 पे जाना है देखिए ग्रीन को इमरजेंसी कैनोला क्यों बोलते हैं क्योंकि इजी होता है एक तो कन्वीनियंट होता है ठीक है इसके थ्रू आप ब्लड प्रोडक्ट्स भी क्या कर सकते हो ट्रांसफ्यूज कर सकते हो ठीक है ये सारी एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हो इसका जो फ्लो है वो भी फ्लो रेट भी क्या आते हैं काफी हाई रहती है फ्लो भी क्या रहती है काफी हाई रहती है तो आपको अगर क्या करना है मैसिव ट्रांसफ्यूजन करना है मैसिव क्या करना है ट्रांसफ्यूजन तो इसको क्या कर सकते हो आप यूज कर सकते हो ठीक है तो इमरजेंसी कैनुला की फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो कौन जाएगा एटीन गोज जाएगा और अगर सेकेंड प्रायोरिटी की बात करें तो कौन सा जाएगा आपका सिक्सटीन गोज जाएगा इस चीज को आपको ध्यान रखना है ठीक है आपका आया हुआ क्वेश्चन है और 18 गोज ही उसका आंसर गया था अगर ऑप्शन में 18 गोज नहीं है तो जरूर हो सकता है कि आपका 16 आंसर चला जाए ये चीजें ध्यान रखनी है चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं अपन आईवी कैनुला होते हैं स्मॉल प्लास्टिक की ट्यूब्स होती हैं जो इंसर्ट की जाती है किसके अंदर आपकी पेन के अंदर यूजुअली इन योर हैंड और आर्म यूजुअली कहाँ पे फोर आर्म पे यूज किया जाता है अगर मैं बात करता हूँ यूज क्या क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ड्रो ठीक है इसके अलावा एडमिस्टिंग द मेडिसिन और प्रोवाइडिंग द फ्लूड्स इन सभी चीजों में आपको क्या करना यूज कर सकते हैं टाइम क्या होता है कितने टाइम तक आप एक कैनुला को प्लेस करने के बाद कितने टाइम तक रख सकते हो या फिर चेंज कितने ड्यूरेशन के बाद आपको कर देना है कैनोला को फटाफट पट से कमेंट करके बता दीजिए फटाफट पट से कमेंट करके बता दीजिए बिल्कुल जो रा, राइट आंसर होगा क्या होगा कि 72 टू आवर्स के बाद में आपको क्या कर देना है कैनला को चेंज कर देना है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट इमेज की तरफ आप चलते हैं बताइए आइडेंटिफाई करिए सर ये भी पूछने की बात है तो कॉमन सी कह तो इसको वेरी गुड वेरी गुड ये क्या है आपका स्टेथोस्कोप है अगर मैं इसके बात करता हूं इसके पीसेस सॉरी पार्ट्स की तो ये वाला पार्ट आपका क्या होता है बैल कौन सा होता है बैल होता है ये वाला पार्ट क्या होता है आपका डायफ्राम ठीक है ये वाला पार्ट क्या होता है ईयर टिप्स ये क्या होता है आपका बाइ न्यूरल ये ईयर ट्यूब ठीक है तो ये तो हो गई इसके पार्ट्स की बात नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्या यूज होते हैं तो इसको क्या एक्वस्टिक मेडिकल डिवाइस है एक्वस्टिक का मतलब होता है कि हियर करने वाली जो डिवाइस होती हैं और ओस्कल्टेशन किसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है आपका ओस्कल्टेशन उसके लिए और लिसनिंग द इंटरनल साउंड इंटरनल जो बॉडी साउंड्स होती है उनको क्या करने के लिए लिसन करने के लिए सुनने के लिए टिपिकली हैज़ ए स्मॉल डिस्क सेप रेजोनेटर ये क्या होता है इसके अंदर रेजोनेटर लगा होता है जो क्या करता है एनहांस करता है यानी कि जो आपकी जो बॉडी साउंड जो होते हैं उनको क्या करता है एनहांस करके आपको इतने कि आपको सुन सके इस काबिल उनको क्या करता है रेजोनेट करता है ठीक है कहाँ लगाते हैं ओवर द स्किन आपको क्या करना होता है प्लेस करना होता है ठीक है एक या दो ट्यूब इससे क्या होते हैं कनेक्टेड रहती हैं टू ईयर पीसेज होते हैं ये पार्ट सी बात हो गई स्टेथोस्कोप कैन बी यूज्ड टू लिसन टू द साउंड हार्ट हार्ट के साउंड या फिर लंग्स इसके लिए एयर के लिए ठीक है एयर के सर्कुलेशन के लिए या फिर इंटरटाइन या बोवल साउंड करने के लिए एज वेल एज ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज और बेन आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो को भी असेस करने के लिए आप स्टेटोस्कोप को यूज कर सकते हो इन्वेंशन की बात आती है कि स्टेटोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था तो फ्रांस के अंदर 1816 के अंदर क्या किया गया था इन्वेंट किया गया था किसके थ्रू रिने रिने लिनेक लिनेक नाम के जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया था? इसको invent किया था था इसको इन्वेंट बेल जो है इसका वो किसके लिए लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए यूज किया जाता है बेल साइड से आपको क्या करनी है लो फ्रीक्वेंसी साउंड को हियर करना है और डायफ्राम से क्या करना है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को क्या करना है हियर करना है ये सारी चीजें आपको इस के बारे में पता होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट इमेज की तरफ हम चलते हैं अभी नेक्स्ट इमेज आपकी स्क्रीन पे है फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि क्या है ये एक सजेशन मैं आप लोगों से और मांगना चाहूंगा कि जो हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की जो आपको क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें आपको मल्टीपल चॉइस चाहिए या फिर जैसे हमने अभी प्रिपेयर किया ऐसे ठीक है ऑप्शन चाहिए ही या फिर ऐसे ही ठीक है कि आपको इमेज दिखाया जाए देन उसका डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएं तो ये है आपका नेजल प्रोंग क्या है नेजल प्रोंग क्या है आपका नेजल प्रोंग है ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस क्या है नेजल प्रोंग है किसके लिए ऑक्सीजन डिलीवरी

ये बताइए कि क्या है जो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है आइडेंटिफाई करिए इसको और फटाफट से कमेंट कर दीजिए ये कौन सी डिवाइस है प्लीज एक बार क्लास को सभी के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से वेल डन श्वेता जी का कमेंट आ गया है तो ये है आपका वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम का दूसरा नाम है आईसीडी कोस्टल ड्रेनेज सिस्टम ठीक है ये कितना होता है वन बोटल सिस्टम भी हो सकता है टू बोटल सिस्टम भी हो सकता है और थ्री बोटल सिस्टम भी ये हो सकता है कितना वन बोटल वन बोटल डाउन नहीं है वन बोटल सिस्टम है ठीक है टू बोटल या फिर थ्री बोटल सिस्टम देखिए वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम या फिर आईसीडी सिस्टम ये क्या होता है अंडर वाटर सील ड्रेन इसको बोल सकते हैं जो इंसर्ट किया जाता है कहां पे प्लूरल स्पेस में प्लूरल स्पेस में किसके लिए एयर को रिमूव करने के लिए किस किस कंडीशन में जैसे आपका न्यूमोथोरक्स न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या हो गया एयर का एक्मुलेशन हो गया आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड यानी कि हीमोथोरेक्स एंड फ्लूड यानी कि हाइड्रोथोरेक्स ठीक है अगर मैं बात करता हूं कि न्यूमोथोरेक्स तो ये कहां पे अगर आपकी आईसीडी अपर चेस्ट

क्यों क्योंकि अगर आपके प्लूरल स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा फ्लूड का या फिर एयर का या फिर ब्लड का एक्मुलेशन हो जाएगा तो प्रॉपर एक्सपेंशन के लिए स्पेस नहीं मिलेगा और आपको क्या हो जाएगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो, एस S.O.B का मतलब क्या है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी उसको रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आईसीडी सिस्टम लगाना पड़ता है कब कब यूज कर सकते हैं इसको देखिए कार्डियक सर्जरीज के अंदर या फिर थोरक्टोमी के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो न्यूमोथोरक्स मैंने बताया आपका एयर का एकोमुलेशन होता है हाइड्रो आपका फ्लूड का ठीक है काइलोथोरक्स का मतलब क्या हो गया पस का एकेशन होना ठीक है या फिर प्लूरल इफ्यूजन आपके प्लूरल जो आ, के अंदर जो फ्लूड है उसका क्या बढ़ जाना अमाउंट बढ़ जाना है क्या होता है प्लूरल इफ्यूजन टेस्ट ड्रेन शुड नॉट बी क्लैम ये चीज ध्यान रखनी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को ध्यान रखना है

आपने क्या कर दिया उसको क्लैम्प कर दिया तो वहां पे किसके डेवलप होने के चांसेस रहते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स इफ ड्रेन इज क्लैंप वाहल एन एयर लीक इज प्रेजेंट ठीक है एयर लीकिंग के दौरान अगर आपने एयर लीक वहां पे देखने को मिल रहा है तो उस दौरान भी क्या कर सकते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेज वहां पे बढ़ जाते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है चाहे पेशेंट को क्या कर रहे हो आप पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आपको भेजना भी है एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के अंदर भी भेजना है तो भी आपको क्लैम्प नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं करना है अनलेस डॉक्टर ऑर्डर ठीक है इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट देखिए बताइए किस चीज का इमेज है फटाफट से कमेंट कर दीजिए समझ आ रहा है ना सभी को मैंने जो सजेशन मांगा था उसके बारे में तो शायद किसी ने कमेंट ही नहीं अरे प्रॉपर एमसीक्यू फॉर्मेट की फॉर्मेट या फिर ये फॉर्मेट ठीक है यादव जी का कमेंट आ गया है एल एम ए बता रहे हैं यानी कि लेरिंजियन मास्क एयरवे

गुड अल्टरनेटिव है किसके लिए आपके बैग वॉल मास्क बी एम वी बैग मास्क वॉल वेंटिलेशन के लिए आपको क्या है एक गुड अल्टरनेटिव है ठीक है बेनिफिट है इसका लेस्ट कैसे इसके थ्रू क्या होता है गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कम देखने को मिलता है इसका क्या बेनिफिट है कि इसको प्लेस करने के बाद में गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कम देखने को मिलता है इसको रीयूज भी किया जा सकता है आफ्टर स्ट्रेलाइजेशन बाई टू परसेंट ग्लूट्रेलडी हाइट से स्ट्रेलाइज करके इसको रीयूज भी किया जा सकता है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है मास्क एयरवे के बारे में सारी आपको ध्यान रखनी है कैसे बेनिफिशियल है ये कि लेस गैस्ट्रिक डिस्टेंशन क्रिएट करता है ठीक है बैग मास्क वेंटिलेशन के लिए आपका यूज किया जा सकता है ठीक है अच्छा एक इलेक्टिव मेथड आपका इलेक्टिव जो वेंटिलेशन होता है उसके लिए यूज किया जाता है सुपराग्लोटिक एयरवे दूसरा नाम इसको बोलते हैं ये सारी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है नेक्स्ट देखिए ये बताइए कि क्या है ठीक है वी विल ट्राई के एम सी की फॉर्मेट आप लोगों को प्रोवाइड करें नेक्स्ट क्लास में आपको एम सी की फॉर्मेट में चलिए फटाफट से बता दीजिए वेल डन वेल डन अभिषेक यादव जी का कमेंट आया है एनेस्थेसिया मशीन वेरी गुड देखिए ये क्या होती है आपकी एनेस्थेसिया मशीन ही ठीक है इसके अंदर क्या होता है क्लोज सर्किट एनेस्थेसिया मशीन भी इसको बोलते हैं ठीक है इसके लिए आपके ऑक्सीजनेशन के लिए यूज की जा सकती है वेंटिलेशन भी इसके अंदर होता है और वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स वोलेटाइल यानी कि आपका रेस्ट आपका इनहलेशन एनेस्थेसिया इनहलेशन एनेस्थेसिया के लिए यूज किया जाता है ठीक है अगर एनेस्थेसिया आप यूज नहीं करोगे तो आपकी जो सर्जरी वो रहेगी क्या रहेगी पेनफुल रहेगी तो लेस पेनफुल उसको प्रोसीजर को बनाने के लिए आपको किसकी एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है इसके अंदर दो कंटेनर होते हैं येल्लो एक वॉलेट ठीक है येल्लो के अंदर क्या होता है आइसोफ्लूर होती है और वॉयलेट के अंदर क्या होती है सेवो फ्लोरोन होती है ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है इसपे क्वेश्चन आया हुआ है इसपे क्वेश्चन आपका टू वाले एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ है ठीक है एम्स टू में ये बिल्कुल पूछा हुआ है ठीक है एम्स के 2019 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है कि येलो कंटेनर के अंदर कौन सी गैस होती है और वॉयलेट कंटेनर के अंदर कौन सी गैस होती है तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है येलो के अंदर आइसोफ्लुरोन होती है और वॉयलेट के अंदर कौन सी होती है सेवोफ्लुरोन होती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अपन ये बताइए क्या है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है फटाफट से कमेंट कर दीजिए तो ये है आपकी हार्ट लंग मशीन ठीक है हार्ट लंग मशीन है आपकी देखिए हार्ट लंग मशीन है क्या करना सर्जन को केयरफुली स्टॉप हार्ट टू मेंटेन द ब्लड सर्कुलेशन ठीक है किसी भी हार्ट की सर्जरीज के दौरान सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है हार्ट लंग मशीन यूज की जाती है द मशीन कंसिस्ट ऑफ ए पंप इसके अंदर क्या होता है पंप रहता है विच फंक्शन एज द हार्ट किसके तरीके से फंक्शन की तरह काम करता है एंड ए ऑफ ऑक्सीजनेटर होता है जो किसके तरीके से काम करता है लंग्स के तरीके से काम करता है ठीक है आपके हार्ट का क्या काम होता है पंप का, का काम होता है ठीक है और आपके लंग्स का प्यूरिफिकेशन का ठीक है यानी कि ऑक्सीजनेशन का तो इसके अंदर दोनों होते हैं एक ऑक्सीजनेटर होता है एक, होता है और एक इसके अंदर क्या होता है पंप होता है ऑक्सीजनेटर तो क्या करता है ऑक्सीजनेट करता है और पंप क्या करता है जो ब्लड है उसको क्या करता है कंटिन्यूसली पंप करता रहता है टू सर्कुलेशन टू मेंटेन सर्कुलेशन जिससे कि सर्जन क्या कर सकता है इजिली आपकी सर्जरी है वो परफॉर्म कर पाता है देखिए नेक्स्ट ये बताइए कि कौन सा इमेज है फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन सा इमेज है आपका वेरी गुड जी का यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है जैक्सन प्रेट ड्रेन जैक्सन प्रेट ड्रेन ठीक है ये क्या है आपका जैक्सन प्रेट ड्रेन है कब यूज किया जाता है आफ्टर सर्जरीज ड्रेनेज को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर क्या होता है नेगेटिव प्रेशर जनरेट करके रखने के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिवली ठीक है विद द ऑप्शन ऑफ वन और टू कैथेटर साइन इसके अंदर एक कैथेटर भी हो सकता है और दो कैथेटर भी हो सकते हैं ठीक है थीके? वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज करना है ठीक है? है? है क्या होता है रेडोन ड्रेन इसका कैथेटर आर द प्रोवाइडेड टू साइज कलर कोडेड एंड रेडियो ओपेक लाइन ये सारी चीजें इसका कैरेक्ट्रिस्टिक है इसके अंदर क्या होता है साइज होता है कलर होता है ठीक है एक रेडियो ओपेक लाइन होती है टू डिटेक्ट इन एक्सरे टू डिटेक्ट इन एक्सरे रेडियो ओपेक जो लाइन होती है ये क्यों होती है देखिए रेडियो ओपेक पे एक आपका आया था टू uh, थाउजेंड का ही क्वेश्चन था पीस दिखाया था ठीक है उसके अंदर ऐसे एक ब्लू लाइन दिखाई थी पीस के अंदर क्या दिखाई थी ब्लू लाइन दिखाई थी ये भी कैसी होती है आपकी रेडियो ओपेक ठीक है कैसी होती है रेडियोपेक होती है जिससे कि आप रेडियोलॉजी यानी कि रेडियोलॉजी की बात करूं तो मोस्टली किसकी एक्सरे के अंदर क्या कर सकते हो उसे डिटेक्ट कर सकते हो ठीक है क्या कर सकते हो इजीली डिटेक्ट कर सकते हो टू चेक प्लेसमेंट टू चेक प्लेसमेंट ठीक है कि आपकी जो ट्यूब की जो प्लेसमेंट है वो सही है कि नहीं है इसको आप कैसे पता कर सकते हो एक्सरे एग्जामिनेशन ठीक है और एक्सरे में आपको रेडियो ओपेक लाइन जो है वो क्लियरली दिख जाएगी ये सारे आपके मेडिक जो भी इंस्ट्रूमेंट हो गया आपके राइल्स ट्यूब हो गया इन सभी चीजों पे होती है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है आपकी आईसीडी हो गई उस पर भी आपका एक ब्लू सा लाइन होता है वो भी क्या होता है रेडियो ओपेक लाइन होता है ठीक है तो एक्सरे स्टडीज में आपको पता लगाने के लिए ये क्या होता है रेडियो ओपेक लाइन उसके अंदर प्रेजेंट होती है तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है आपके गोज फीस के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके ड्यूरिंग सर्जरी कोई गोज पीस आपकी बॉडी कैविटीज के अंदर तो नहीं रह गया है उसका आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है इसके अंदर भी लाइन दिखाई जाती है ठीक है नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं अपन ये बताइए क्या है कौन सा इमेज है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल ये है आपका लोगांस बो क्या है लोगांस बो देखिए लोगांस बो कहां पे यूज करता है एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो कहां पे यूज की जाती है आपके कलेफ्ट लिप्ट और कलेफ्ट पैलेट की सॉरी मोस्टली किसके लेफ्ट लिप के मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है किसके लेफ्ट लिप के मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है ठीक है पोस्ट ऑपरेटिवली अपोजिशन ठीक है या फिर अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेंथ की क्या होती है आपके लिप की सर्जरी सर्जिकल करेक्शन ऑफ द लिप क्या होती है चीलियो होती है और किसके लिए क्लेप्ट लिप के लिए ठीक है तो उसको स्ट्रेन से बचने के लिए और उसको तो पोजिशन को मेंटेन करने के लिए क्या यूज किया जाता है वहाँ पे लोगांस बो क्या किया जाता है अप्लाई किया जाता है ठीक है एक्सटर्नल डिवाइस के युग में यूज होता है मेटल का बना होता है ठीक है इसके अंदर स्पाइक्स होते हैं क्रॉस बार होती है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लोगांस बो के लिए ठीक है अभी तक क्वेश्चन आया हुआ यही है कि लोगांस वो कब यूज करते हैं ठीक है ठीके? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट देखिए ठीक है इसी के साथ में आज का आपका सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं ठीक है ठीके? टोटल ट्वेंटी आपके इमेजेस थे यहाँ पे होपफुली आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी प्लीज एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देना सभी के साथ में ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास